Jain friends, welcome to this short, sweet, quick and precise session of Contemporary Thrust which is powered by Growthmont UPSC. I am Dhruv Dani. दोस्तों आज के इस लेख की प्रेरणा दरअसल एक समाचार है और यह समाचार कुछ इस तरह है कि NIA ने यानी कि हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कर्नाटका के उत्तरी कन्नड़ा जिले से एक 28 वर्षीय एक युवक की धरपकड़ की है, उसको अटकायत में लिया है, उसको जो है हिरासत में लिया है। और कारण यह बताया कि यह जो युवक है वह दरअसल एक लश्कर तोयबा का एक स्लीपर सेल था और ऑनलाइन जो है उसके लिए रेडिकलाइजेशन का या रिक्रूटमेंट का काम करता था लश्कर तोयबा के लिए। तो विशेषज्ञों के द्वारा यह पूरे मामले को ऑनलाइन कट्टरवाद का जो नाम है वह दिया गया है और आज के समय में यह ऑनलाइन कट्टरवाद जो है वो एक बड़ी समस्या बन रहा है हमारे भारत के लिए या हमारी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़े तथ्य भी देखेंगे और इसके साथ साथ इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे परीक्षा की दृष्टि से उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हमें टाइटल दिया गया है LET के स्लीपर सेल्स भारत में कार्यरत, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कई सारे सबूत मिलते आए हैं, कई सारे जो है एविडेंस मिलते आए हैं कि यहाँ इनफ मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में इन लोगों के जो स्लीपर सेल्स है वे कार्य करते हैं, भारत में ही रहते हैं, यहाँ ही अपना आर्थिक जो है कार्य करते हैं और यही देश को यही मुल्क को तबाह करने की इच्छा रखते हैं। UAPA व NIA के संशोधित कानून की चर्चा। जब आतंकवाद की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं आतंकवाद विरोधी उसकी भी चर्चा ज़रूरी है और उन कदमों में मुख्यतः जो महत्व के होते हैं वे कानून होते हैं कि जो आतंकवादी विरोधी कानून होते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफल होते हैं उनकी चर्चा भी करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दो महत्वपूर्ण कानूनों की बात करेंगे जो कि आतंकवादी विरोधी है, जिसमें UAPA है यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और NIA है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट। इन दोनों की चर्चा करेंगे और इन दोनों में जो हाल ही में सुधार आए 2019 में उन सुधारों की भी बात करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यह न्यूज़ है जिसके ऊपर से आज का हमारा जो सेशन है वह बन पाया है। NIA अरेस्ट मैन वांटेड इन LET रिक्रूटमेंट केस। और यह जो अपराधी है जिसको हिरासत में लिया गया और यह जो हिरासत में लिया गया यह जो गुनहगार है यह अपराधी है, यह दरअसल वेस्ट बंगाल के एक केस में यह फ्यूजिटिव है, यह भागता फिर रहा है और NIA ने कर्नाटक से उसकी अटकायत की है, उसको जो है हिरासत में लिया है। तो देखेंगे आगे। देखिए सर्वप्रथम हमें आतंकवाद व भारत की स्थिति देखनी होगी कि हमारी स्थिति दरअसल क्या है। तो मूलभूत भारत में यह तीन प्रकार के आतंकवाद जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं या भारत इससे जो है पीड़ित है। मूलभूत भारत तीन प्रकार के आतंकवाद का सामना कर रहा है, जिसमें प्रथम है इस्लामिक टेररिज्म, दूसरा है सेपरेटिस्ट टेररिज्म यानी कि अलगाववादी आतंकवाद, और तीसरा जो है वह है लेफ्ट विंग टेररिज्म। इन तीनों में से जो अति घातक है या क्रूर है वे पहले दो है, जिसमें इस्लामिक टेररिज्म या सेपरेटिस्ट टेररिज्म का समावेश होता है। इसमें से भी जो प्रथम वाला है इस्लामिक टेररिज्म, यह दरअसल पाकिस्तानी प्रेरित है, पाकिस्तान प्रेरित प्रत्यक्ष रूप से हमें समझना है। वहीं जो सेपरेटिस्ट वाला जो अलगाववादी आतंकवाद है, सेपरेटिस्ट वाला टेररिज्म, वह दरअसल परोक्ष रूप से पाकिस्तान से प्रेरित है, प्रत्यक्ष नहीं है मगर परोक्ष है, मगर प्रेरित जो है वह पाकिस्तान से ही है। तो हमें मुख्य रूप से इन दो मुद्दों को ही आज के विषय में जो है चर्चा में लाना है और इसके ऊपर ही चर्चा करनी है। देखिए अगर आतंकवाद की सरल परिभाषा की बात की जाए तो उसके मुताबिक वस्ती व सरकार के खिलाफ हिंसा का व्यवस्थित उपयोग करना अपने राजकीय, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तीनों को इंक्लूड कर लिया है, वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल। तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर हिंसा का जो है उपयोग होता है और एकदम संगठित रूप से होता है यानी कि व्यवस्थित रूप से होता है तो उसे हम आतंकवाद करार दे सकते हैं। देखिए ये पूरा जो लोगो है यह दरअसल NIA का लोगो है, जो हमारी उच्चतम इन्वेस्टिगेटिव जांच संस्था है
और संघ सरकार के ताबे में आती है। इसका जो गठन है वो दरअसल मुंबई अटैक के बाद हुआ था, आफ्टर मुंबई अटैक, यानी कि 26/11। जब अटैक हुआ या जब खबरें सामने आने लगी कि आतंकवादी ऐसे कुछ घुस गए हैं और वे लोग जो है तबाही मचा रहे हैं, कुछ होटलों में गए थे, कुछ सार्वजनिक स्थलों पर, रेलवे स्टेशन जैसे स्थलों पर तबाही मचा रहे थे, उसके बाद हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वह एकदम नींद में से एकदम जग गई। अब तक वह नींद में ही सो रही थी, इसीलिए वे लोग इतना फासला तय करके पाकिस्तान से महाराष्ट्र तक पहुँच गए, यानी कि पाकिस्तान से मध्य भारत तक पहुँच गए और अपने मंसूबे में कामयाब भी कुछ हद तक हो गए। तो यहाँ से सरकार जो है वह एकदम जो है आधी नींद में से जागी और त्वरित थी जो है एक कानून लाई, टेबल्ड किया पार्लियामेंट में, जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट 2008। फिर पारित हुआ, फिर एनआईए जो है उसके तहत इसकी स्थापना हुई और आगे 2019 में एनआईए में भी एक संशोधन किया गया, जिसके तहत इसका जो व्याप है वह थोड़ा और विस्तृत कर दिया गया, उसको और जो है 57 बना दिया गया। ये हमारे एनआईए के ऑफिसर्स है, दे आर, इट्स एक्चुअली अ फाइल फोटोग्राफ, यह जो नए समाचार आया है उसके साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, फाइल फोटोग्राफ या एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इमेज है। देखिए यहां से हमें एक जो है एक क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है, जो क्वेश्चन दरअसल सिविल सर्विसेज मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग यूएपीए एंड एनआईए एक्ट, एनालाइज इट। इसको एनालाइज कीजिए, ऐसा प्रश्न आया था और प्रश्न थोड़ा लंबा था, जिसमें और भी जो है बातों का उल्लेख हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों उन लोगों को यह कानून से या यह संशोधनों से थोड़ी तकलीफ है, उसकी भी चर्चा कीजिए, उन सबको एक साथ में एनालाइज कीजिए। तो हम लोग यह प्रश्न का उत्तर देखने की कोशिश करेंगे, मैंने तैयार किया है आपके लिए, मुझे लगता है कि आपको यह बहुत ही जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा यूएपीए वो एनआईए कानूनों में जो संशोधन किया गया है वो सर्वप्रथम भारत की आतंकवाद विरुद्ध कार्यरत एजेंसियों की सत्ता बढ़ाएगा, यानी कि जो एंटी टेररिस्ट एजेंसीज है जो इंडियन गवर्नमेंट की है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है, उसमें इजाफा करेगा। दूसरा, भारत के आतंकवाद विरोधी कानून का व्याप विस्तृत करेगा, एजेंसियों के साथ साथ जो कानून है जिनको हमने प्रस्थापित किया है हमारी जो है प्रणाली में, उसको भी विस्तृत करेगा, उसका भी व्याप जो है वह थोड़ा बड़ा करेगा, मजबूत करेगा। कुल मिलाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है ये, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बूस्ट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, हम लोग यह कह सकते हैं। उसके बाद यूएपीए का संशोधन अगर हम देखिए मूल कानून में तो कई सारी जोगवाई है, कई सारे प्रावधान है, मगर यहाँ हम लोग सिर्फ संशोधन की ही बात करेंगे और उससे जो फेरफार हुए हैं उसकी ही बात करेंगे, उसको ही ध्यान में लेंगे। जो यूएपीए कानून है, पूरा कानून, वो हम अपने हाइपोथेसिस में जब पॉलिटिकल गवर्नेंस के बारे में जब हम लोग अभ्यास करेंगे वहाँ उसकी विस्तृत में चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। यहाँ पे समय संसाधन की कमियों की वजह से हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। देखिए यूएपीए का संशोधन क्या कहता है, सर्वप्रथम केंद्र सरकार को सत्ता प्रदान करता है कि किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। इट एक्चुअली एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ कोई आतंकवादी कृत्य में शामिल हो, अगर वह जो संस्था है वो कोई आतंकवादी कृत्य में शामिल हो। दूसरा, आतंकवाद को बढ़ावा दे, वेदर दे आर प्रमोटिंग टेररिस्ट एक्टिविटी और कोई भी रूप में आतंकवाद से जुड़े हो, या परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप से आतंकवाद के साथ जुड़े हो, तो ऐसे संगठनों को केंद्र सरकार अब यूएपीए के तहत, यूएपीए के नए संशोधन के तहत, वे उन संस्थानों को एक आतंकवादी संस्थान जाहिर कर सकती है, घोषित कर सकती है। अब तक सरकार सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी करार कर सकती थी, मगर इस संशोधन से अब व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। अब तक क्या था कि
उसका जो उसकी जो सत्ता थी यह कानून की वह सीमित थी और सीमित सिर्फ संस्थानों को घोषित करने तक ही थी, मगर वो इंडिविजुअल्स को व्यक्तिगत किसी किसी व्यक्ति को या मनुष्य को वे लोग आतंकवादी करार नहीं कर सकते थे। मगर इस संशोधन से यह फेरफार हुआ है और आज के दिन ये जो हमारी जो एजेंसियां हैं वे व्यक्तिगत तौर पे भी टेररिस्ट जाहिर कर सकती है जो कोई व्यक्ति ऐसे संगठनों के साथ अपना व्यवहार रखता हो, वो टेररिस्ट अब कहा जाएगा, उसको जो है टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। ये बात हुई यूएपीए की। अब हमें एनआईए देखना है कि उसमें संशोधन किया हुआ और उसके परिणाम जो है या उसके उसके जी उसकी जो असर है वह क्या हुई। देखिए एनआईए कानून में संशोधन एनआईए को मजबूत बनाता है, संस्था को ही मजबूत बनाता है, या आप कह लीजिए इट एम्पावर्स एनआईए, एनआईए के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाता है, उसके कार्यक्षेत्र को भी जो है विस्तृत बनाता है, यानी कि एक्सपांड करता है, जिसमें जारी चलन, काउंटरफिट करेंसी, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रतिबंधित हथियारों का व्यापार, ट्रेड ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, साइबर टेररिज्म इत्यादि, इन सब मुद्दों को जो है यह संशोधन एनआईए के दायरे में रखता है जो आज दिन तक राज्य पुलिस के दायरे में थे, और एनआईए इन मुद्दों पर कोई अपना जो कार्य है वह ठीक तरह से कर नहीं सकती थी, मुक्त रूप से कर नहीं सकती थी, वो संशोधन के बाद से पॉसिबल होगा, शक्य होगा। देखिए साइबर टेररिज्म आज का जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है, जो न्यूज आई थी वो उत्तर कनाडा वाली, वो दरअसल साइबर टेररिज्म के साथ ही संबंधित है, और जिसे मैंने एक टर्म जो मैंने कॉइन की ऑनलाइन जिहाद आप कह लीजिए या आप कह लीजिए कट्टरवाद। तो जो संगठन है आतंकवादी संगठन जो कि कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर में बैठे बैठे ऑपरेट कर रहे हैं, वे लोगों ने आज के दिन यह रास्ता चुना है, और वे लोग वहां से एक भी इंच हले भी ना सीधे हमारे घर में घुस गए हैं, सीधे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर घुस गए, जिसे ऑनलाइन कट्टरवाद या ऑनलाइन जिहाद हम लोग कह सकते हैं। तो अभी ये भी एनआईए के दायरे में है, पहले ये सब कुछ राज्य पुलिस के दायरे में था, और हमें मालूम ही है राज्य प्रशासन कैसा होता है, तो उसकी कोई असर जो है वह नहीं होती थी आतंकवाद को जो है खत्म करने में। यह संशोधन केंद्र सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म की दिशा में जो है किए गए है। हमारी जो सरकार की जो नीति है, सरकार बहुत स्पष्ट है, हमारी केंद्र में जो बहुमत वाली सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो बड़ी स्पष्ट है आतंकवाद के मामले में, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसको दाखिल करने की जो है तैयारी कर रहे हैं, उसको दाखिल कर रहे हैं। टेरर फाइनेंसिंग का मुद्दा भी बड़ा बन रहा है, टेरर फाइनेंसिंग का मुद्दा भी एनआईए के दायरे में है। ऐसी स्थिति में एक सशक्त एनआईए समय की मांग है, जो कि यह संशोधन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों के द्वारा विरोध हो रहा है इन संशोधनों का, उन लोगों के मुताबिक इन संशोधनों से मजबूत मानवाधिकारी मूलभूत है सॉरी यह मूलभूत है फंडामेंटल है मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दे आर टेलिंग दैट बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल आर बीइंग वायोलेटेड अंडर दिस न्यू अमेंडेड लॉ। सरकार के द्वारा एक पोलिस स्टेट का निर्माण किया जा रहा है, सरकार के द्वारा एक तानाशाही जैसा एक राज्य जो है उसका जो है निर्माण किया जा रहा है, ऐसा एक काउंटर जो है व्यू पॉइंट है जो कि ह्यूमन राइट एसोसिएशन वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा आ रहा है, जो ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों को एलओसी की जो परिस्थिति है, एलएसी की परिस्थिति है, साउथ कश्मीर है, अपना जो है गिलगित बाल्टिस्तान है, उस परिस्थितियों के बारे में कुछ जो है अंदाज़ा नहीं होता। उन लोगों को पहले वहाँ के हालातों के बारे में जो है वे जाने तो बेहतर रहेगा, उसके बाद अपनी अपनी राय रखे तो मुझे लगता है कि और बेहतर रहेगा। संसाधनों के कुछ विवादास्पद तथ्य देखिए, जो अकॉर्डिंग टू देयर व्यू पॉइंट थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल प्रावधान की बात है यहाँ, जिसके तहत यूएपीए स्पष्ट रूप से आतंकवादी कृत्य को व्याख्यायित नहीं करता, विच मीन्स नो क्लियरली डिफाइंड टेररिस्ट एक्ट या एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट, इसकी कोई जो है अवधारणा यह पूरे कानून में कहीं नहीं दी गई, विच मीन्स लॉ को थोड़ा लिबरल रखा है एजेंसियों के लिए, एजेंसियों का दायरे को जो है मजबूत करने के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक
जो है सूचना नहीं दी गई है या व्याख्या नहीं दी गई है। देखिए यूनिवर्सल रूप से क्या होता है, प्रीअसम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, यानी कि निर्दोषी का पूर्वानुमान ही होता है, यूनिवर्सल है यह और एक यह मानवाधिकार है। मगर अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप ये लोग कह रहे हैं कि जो यूएपी है यह प्रीअसम्पशन ऑफ गिल्ट रखता है, यानी कि गुनाह का पूर्वानुमान रखता है। आज के समय जो हमें राइट मिल रहा है, जो हमें हक मिल रहा है, उसके तहत प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, नहीं कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। मगर एक बार यूएपीए लागू हो गया तो यूएपीए में सिक्योरिटी एजेंसियों को प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को जो है जो सिद्धांत है उसको पालन करने का मौका मिलता है कुछ एविडेंस के ऊपर से डिपेंडेंट ऑन एविडेंसेस। और ये मानवाधिकार वालों को लगता है कि यह जो कानून है वह थोड़ा बर्बर कानून है या थोड़ा जो है क्रूर कानून है। किसी को आतंकवादी घोषित करने की कार्यशैली गैरहाजिर, पूरे लॉ में या पूरे कानून में कहीं भी कैसे किसी व्यक्ति को आतंकवादी डिजिग्नेट करे, घोषित करे, उसकी कोई एक जो है प्रमाण कार्यशैली गैरहाजिर, एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसका उल्लेख पूरे लॉ में नहीं किया गया है। न्याय तंत्र को वर्जित करके एग्जीक्यूटिव को सत्ता दी गई है, न्याय तंत्र यानी कि जुडिशरी इज बिंग एक्सक्लूडेड, उसका कोई रोल ही नहीं है पूरे लॉ में या इसके एनफोर्समेंट में, और पूरी जो सत्ता है वह दी गई है एग्जीक्यूटिव को यानी कि कारोबारी को। और इसी के तहत क्या होता है कि अब टेररिस्ट और टेरर अक्यूज्ड, एक टेररिस्ट और टेरर अक्यूज्ड के बीच का जो भेद है वह भेद एकदम कम हो गया है, क्योंकि जुडिशरी को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। सब जो पावर्स है वे एग्जीक्यूटिव के पास है, और एग्जीक्यूटिव जो है वे अपने पावर का जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं, जिसके खिलाफ चाहे उपयोग कर सकते हैं। टेररिस्ट होता है कि जो सर्वस्वीकार्य एक आतंकवादी है, और टेरर एक्यूज होता है जिसके ऊपर चार्ज लगे हो अभी प्रूव ना हुआ हो। तो इन दोनों के बीच में जो फासला है यह फासला एकदम कम कर देता है यह लो, ऐसा एक ऐसी एक दलील है। एनआईए कानून में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है ये हमें याद रखना है, अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के हितों के साथ खिलवाड़, यह एकदम लूज सा शब्द है। और यह गुटों को लगता है, यह विरोधी जो हमारा विरोध कर रहे हैं यह लो का या इस संशोधन का, उन लोगों को लगता है कि ऐसे प्रावधानों का या ऐसे जो है शब्दों का बहुत ही भयंकर उपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूलभूत अधिकार को उल्लंघन करने के लिए इसका प्रयोग जो है वह सामान्य हो जाएगा, वे लोग चिंता में है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन की ही बात की है कि हकों का उल्लंघन करने के लिए हेतु हो सकता है इसका दुरुपयोग। देखिए जैसे पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को ठीक करना हमारे लिए अनिवार्य है, राज्य को संतुलित रूप से अपनी नीतियां गढ़नी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन ना हो और आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा हो। हमारी सरकार को, हमारे राज्य को दोनों ही तरफ ध्यान रखना होगा, संतुलित जो है अपनी नीति जो है वह बनानी होगी, लागू करनी होगी, जिसके तहत सामान्य मानवीय के जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन ना हो, उसे कोई हानि ना पहुंचे, और दूसरी तरफ जो आतंकवाद है उसके ऊपर हम लोग जो है कठोर से कठोर कार्यवाही कर सके, उसको नाबूद कर सके। देखिए आगे एनआईए के बारे में कुछ तथ्य है मेरे पास। वैसे तो आप एनआईए को विकिपीडिया में देख सकते हो बड़ी अच्छी तरीके से, मगर यहाँ कुछ तथ्य मैंने आपके सामने पेश किए जो आपको फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखिए एनआईए के बारे में, इसकी स्थापना जो है वह 2009 में हुई आफ्टर 26/11। यह एक संघीय जांच संस्था है, इट इज अ फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। फेडरल से हमें मालूम हो जाएगा कि इट फॉल्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एमएचए के तहत कार्य, ये थोड़ी अच्छी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कानून के तहत स्थापना हुई, यह कानून का नाम है जिसके तहत स्थापना हुई, जो दिसंबर 2008 में पारित हुआ हमारी संसद से। देखिए इसका चुना हुआ जो मुख्य अधिकारी है वह अमित शाह है, जो कि एक निर्वाचित है, वह चुनाव के माध्यम से आया है,
यह एक निर्दा है। और वही जो नियुक्त तो होकर आया है यानी कि जो कोई अधिकारी है वो है आईपीएस वाईसी मोदी जो कि डायरेक्टर जनरल है एनआईए के। एनआईए का जो ज्यूरिडिक्शन है लीगल ज्यूरिडिक्शन इट फॉल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वाइल इट्स ऑपरेशन ज्यूरिडिक्शन इज इंडिया एंटायर इंडिया। देखिए फरियाद जो है वो किसी भी थाने में दर्ज हुई है पूरे भारत के, मगर एनआईए जो है वो किसी भी थाने की फरियाद के ऊपर अगर उसे लगता है कि मुझे जांच करने की ज़रूरत है तो वो जो जांच है वह बेशक कर सकता है, इतना जो है पावरफुल उसका ज्यूरिडिक्शन है। तो दिस वॉज अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। देखिए यहाँ हमारे पास एक मैप है जिस मैप में हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट दृश्यमान है जिसमें से हमें हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया थोड़ा देखना है और थोड़ा ईस्टर्न एरिया देखना है जहाँ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। देखिए यहाँ हमें अफगानिस्तान तो नहीं दिया गया मगर पाकिस्तान पूरा दिया गया है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, गिलगित बल्टिस्तान है। और आप लोग देख सकते हो यह सब आतंकवादी संगठन है जो कार्यरत है अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, आगे हम लोग देखेंगे चाहे वो भारत का जम्मू कश्मीर हो या चाहे भारत के अन्य कोई उत्तर पूर्वी राज्य हो, कई सारे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि NWF, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, इट्स अ नॉर्दर्न मोस्ट रीजियन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है और आज के समय उन लोगों ने उसका नया नाम भी एक दे दिया है जिसके तहत वे लोग उनको खैबर पख्तूनवा के नाम से पहचानेंगे। अब ये एक थोड़ी बड़ी बात है, बड़ी इसलिए है क्योंकि नामकरण जो है, नामकरण करना बड़ी बात नहीं है मगर नामकरण से मेंटल रिवोल्यूशन होगा, लोगों के मन में ऐसा जो है घुसेगा कि यहाँ का जो वहीवट है, यहाँ की जो प्रशासनिक जरूरियत है वो कई सालों से पाकिस्तान जो है वह करता आया है, तो यह जगह जो है वह निसंदेह पाकिस्तान की है। तो ऐसे मेंटल रिवोल्यूशन के हिसाब से यह नामकरण की जो बात है वो थोड़ी बड़ी है। देखिए फिर सिंध में भी कई सारे टेररिस्ट आउटफिट है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में है, अगर इस तरफ आए तो गिलगित बल्टिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में तो लश्कर ए तोयबा है जिसका जिक्र हमने आज किया, जैसा मोहम्मद है जो पुलवामा अटैक में शामिल था, अल बद्र नामक एक संगठन है, हिंदुस्तान मुजाहिदीन है और अन्य कई सारे संगठन है, नेपाल में भी है, कई सारी जगहों पर फैले हुए हैं। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये सब वामपंथी है, ये सब जो है माओवादी है या आप उसे नक्सलवादी कह सकते हैं, आतंकवादियों से थोड़े भिन्न है टेक्निकली मगर हिंसा की दृष्टि से ये भी हिंसात्मक है और आतंकवाद जो है वो भी एक हिंसात्मक ही है। देखिए जो हमारे लिए जो सरदर्द है ये सब सरदर्द है हमारे लिए, ये सब तो पाकिस्तान के ही है और पाकिस्तान में ही तबाही मचाएंगे क्योंकि उन लोगों का जो आंतरिक कलेश है वो ही इतनी ऊंची स्तर पर है कि अपने आप में ही जो है अशांतिपूर्ण देश है पाकिस्तान, मगर हमारे लिए जो सरदर्द है वो जम्मू कश्मीर में स्थित एंड ऑपरेटिंग, जम्मू कश्मीर बेस्ड एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट या ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपेड कश्मीर, वे आतंकवादी संगठन है जिसमें जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, हक्कानी नेटवर्क है, या आप कह लीजिए जैसे मोहम्मद है, या हिंदुस्तान मुजाहिदीन है, इंडियन मुजाहिदीन है, कश्मीर मुजाहिदीन है, अल बद्र जिसका जिक्र यहाँ हुआ, तो ये सब सारे संगठन है जो कि हमारे लिए जो एक सरदर्द बने रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो मैप है यहाँ, यह प्रांतो वाइज मैप है, पाकिस्तान इज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस या पाकिस्तान इज डिस्क्राइब इनटू द प्रोविंस, डिवाइड तो नहीं कर सकते, डिवाइड तो अभी हमें करना है इंफॉर्मेशन वारफेयर करके जैसे पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से करता आया है और हम उसमें एकदम जो है पीछे रह गए इंफॉर्मेशन वारफेयर में, हम लोग अपनी बॉर्डर ही देखते रहे मगर वे लोग जो है वे इंफॉर्मेशन वारफेयर के माध्यम से उसके रास्ते से वे लोग मानसिक क्रांति कर रहे हैं आज के दिन। हमारे मेजर साहब जो है रिटायर्ड मेजर साहब गौरव वारिया वो एकदम सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके चार टुकड़े होने चाहिए और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो भी एक अलग देश होगा, स्वतंत्र देश होगा, शांत देश होगा, भारत का मित्र देश होगा, सिंध भी अलग स्वतंत्र शांत और भारत का मित्र देश होगा, ऊपर अगर पश्तून की बात करें, पश्तून का जो रीजियन है जहाँ पठान लोग रहते हैं या पश्तून बोलने वाले जो लोग हैं वे रहते हैं, तो वो भी एक शांत और जो है भारत का मित्र देश होगा। रहेगा एक ही छोटा सा, वो रहेगा पंजाब, और
अगर हम देखें पाकिस्तान को एकदम नजदीक से उनके लोगों को, तो भारत के विरुद्ध जो जहर है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, वो सिर्फ पंजाबी पाकिस्तानी में है, और जो लोग हैं वे एकदम अच्छे हैं, वे हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई जो है दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, वे हमारे भाई हैं, वे भारत भी आ सकते हैं, भारत में रह भी सकते हैं और भारत के नागरिक भी बन सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर जो प्रॉब्लम है या फॉल्ट है वो यहाँ है, जो पंजाबी पाकिस्तानी है वो जो है हरामखोर है और वही भारत के विरुद्ध जहर अपना ओक रहा है। तो दिस वॉज द मैप ऑफ टेररिस्ट आउटफिट लोकेटेड इन एंड अराउंड इंडिया। अब देखिए ये जो मैप है जिसमें आपको येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये स्पॉट्स कोई जगह बता रहे हैं और ऐसी जगह बता रहे हैं जहां पिछले कुछ सालों में आतंकवादी हमले हुए हो। तो आप लोग देख सकते हो यह स्पॉट्स की डेंसिटी देख सकते हो और इसके हिसाब से हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो आतंकवाद है वो कितना जो है पावरफुल होता जा रहा है ईयर बाय ईयर या डे बाय डे। देखिए पाकिस्तान तो दिख ही नहीं रहा है, आतंकवादी हमले ही दिख रहे हैं सिर्फ, इंडिया में भी हमें दिख रहा है। इंडिया में जैसे हम लोग ईस्टर्न साइड आए हैं तो इसकी इंटेंसिटी है जो बढ़ जाती है, एंड इट इज थैंक्स टू नक्सलिज्म। नक्सलिज्म एक बहुत ही हमारे लिए एक चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी चुनौती है और प्रशासनिक दृष्टि से भी चुनौती है। दरअसल एक कृषकों का एक एजिटेशन था, कृषकों का एक विद्रोह था जिसने आज के समय एक बहुत ही हिंसात्मक स्वरूप धारण कर लिया है। और यहां भी हम लोग देख सकते हैं कश्मीर एकदम इंटेंस है टेररिस्ट हमलों के मामले में, पाकिस्तान इंटेंस है और पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ही इंटेंस है, कोई भी प्रोविंस हो कोई भी जगह हो। तो ये बात है। और एक बात जो मैं कहना भूल गया, वो जब हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान की एथनिसिटी के बारे में, पंजाबी सिंधी बलोची, देखिए पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी भारत विरोधी है और वो भी कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ती भारत का विरोध करने में, भारत को जो है परेशान करने में, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। और दूसरी बात, जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पंजाबी पाकिस्तानी बहुल आर्मी है, 70% के ऊपर इनके जो पर्सनल है पाकिस्तानी रेंजर्स के, वे जो है पंजाबी है। तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में जो जहर है भारत के विरुद्ध का जो जहर है वह पंजाब में ही जमा हुआ है, पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में जमा हुआ है। देखिए द कंट्री इज विद द मोस्ट टेररिस्ट अटैक, हमारे पास एक इंफोग्राफ है, थोड़ा ब्लर हो गया है जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू इट सबसे ज्यादा जो अटैक हुए हैं वह हुए हैं इराक में, मैक्सिमम अटैक्स। देखिए यह मैक्सिमम अटैक्स की बात है, यहाँ एक और भी इन्फोग्राफ हम लोग जो है इसका अभ्यास कर सकते हैं जहाँ नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू टेररिस्ट अटैक ज्यादा हुए हो, और उसमें आई थिंक नंबर वन अफगानिस्तान रहेगा। तो नंबर ऑफ अटैक की दृष्टि से इराक नंबर वन, अफगानिस्तान है, उसके बाद थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है और फोर्थ नंबर पर इंडिया है, और उसके लिए पूर्ण रूप से पाकिस्तान जो है वह जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं होता तो हम पूरे लिस्ट में नहीं होता है, मगर दुर्भाग्यवश पाकिस्तान जो है वह हमारा पड़ोसी है तो हमें उसे टिक करना ही होगा, और इसीलिए हम इस क्रम में चौथे नंबर पर है, और उसमें जो कैजुअल्टी है वह 791 लोगों की हो चुकी है ऑलरेडी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। हमने पूरा जो लेक है वह पूरे लेक को देखा, लेक के साथ साथ जो अन्य जो तथ्य है जिसके ऊपर मैं बात करनी है वो भी देखा, भारत की स्थिति देखी, भारत में आतंकवादी विरोधी कानून देखे उसकी स्थिति देखी, आतंकवादी विरोधी एजेंसियां है उसकी भी स्थिति देखी, कई आंकड़े भी देखे, कई तथ्य भी देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए विषय के साथ, नए समाचार के साथ, नए अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।